एसपी की हो गई है काया पलट, एसपी बन गए हैं साधु संत। क्या एसपी ने ले लिया है संन्यास? क्या एसपी ने त्याग दिए हैं सारे सुख? अगर आप भी एसपी का ये रूप देखकर कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं, तो हम आपकी गलत फहमी दूर कर देते हैं, क्योंकि असल माजरा तो कुछ और ही है। दरअसल एसपी ने सच का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स के साथ मिलकर खुद को मेंटली डिस्टर्ब साबित कर दिया है। साथ ही इस पूरे ड्रामे में एसपी का साथ दे रहे हैं उनके भैया, और एसपी उनका इस बात के लिए शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। आज आपकी मदद की वजह से मैं अपने आप को सबकी नजर में मेंटली डिस्टर्ब साबित कर रहा हूं। देर से ही सही, लेकिन लगता है एसपी के सामने अब उनकी माँ की सच्चाई आ ही जाएगी और दुर्गा पर भी लगे सभी इल्जाम हट जाएंगे, क्योंकि इस बार खुद एसपी सच्चाई की जड़ तक जाने के लिए बेकरार है। अरे माँ, इतना सब कुछ कह रही है दुर्गा को मेरी नजरों में गिराने के लिए, तो फिर आपसे मैंने जितनी भी बातें माँ ने कही है दुर्गा के बारे में, वो स्टिंग ऑपरेशन और सारी सारी बातें, उसमें कितनी सच्चाई थी, मिलने जाना बहुत जरूरी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, कुछ भी नहीं। एसपी एक कहानी के जरिए अपनी बात को अपने भाई के सामने रखते हैं और सच का साथ देने का फैसला करते हैं। भैया, आपने वो कहानी सुनी है ना, दो औरतें लड़ते हुए राजा के पास पहुंचती अपने बेटे के लिए, और राजा क्या कहता है कि उस बेटे के दो टुकड़े करके दो दो औरतों के बीच बांटते हैं, लेकिन उसकी सच्ची माँ उससे सच्चा प्यार करती है, वो ऐसा होने से रोकती है। चाहतो माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उतना प्यार दुर्गा भी करती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सच्चाई क्या है, कौन सही है कौन गलत, लेकिन इस वक्त मुझे बचाने के लिए जो अपनी सच्चाई मेरे सामने लाएगा वही सच्चा इंसान। वेल, देखना दिलचस्प होगा कि एक बेटा कैसे अपनी माँ का पर्दाफाश करता है।